क्वेश्चन नंबर 83, डीएनए का ट्विस्ट है ये क्वेश्चन। इंडीड ये क्वेश्चन के लिए हम लोग शायद बहुत पहले से हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ी है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है और मास्टर्स में पढ़ी है, बट स्टिल इसके बाद क्या हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया? जिन्होंने किया बधाइयां, जिन्होंने नहीं किया आप सीख लो। ये हर एक जो क्वेश्चन के सोल्यूशन दे रहा हूँ, पर्पस ये है कि उस क्वेश्चन के पीछे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या थी और क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, आप ये भी सीख लो। आई फ्लाई में हम लोगों का मेन टारगेट यही होता है कि हम लोग कैसे अपने रास्ते को कवर करने के लिए शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके निकाल लें, ताकि ज़िंदगी में पड़ने वाली सभी समस्याओं का हम सामना कर सकें और अपने रास्ते में पड़ने वाली हर बाधाओं को हम लोग पार करना सीख जाएं। तो क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल लिस्ट द टू मेजर फॉर्म्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। अब यहाँ पे डीएनए की दो फॉर्म्स हमें दी गई हैं, बी और ए। अगर आपको याद है तो डीएनए की तीन फॉर्म्स होती हैं, ए बी जेड, जिनमें से जो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है वो बी। हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये दो तरह की फॉर्म में पाए जाते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं एंटी और एक जिसे हम बोलते हैं सिन। सिन कन्फॉर्मेशन में स्टेरिक क्लैश होता है, इसलिए जनरली न्यूक्लियोटाइड्स को प्रेफर नहीं करते। डीएनए में ए फॉर्म में, बी फॉर्म में, दोनों ही में मुझे एंटी कन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है शुगर्स की, इसलिए जब मैं ए फॉर्म्स को और बी फॉर्म को कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी सारे डाटा के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ दोनों जो बेसिस हैं वो एंटी कन्फॉर्मेशन में होते हैं, बी में भी और ए में भी। तो जो मेरी ए फॉर्म है ये भी मेरी एंटी कन्फॉर्मेशन दिखाने वाली है और जो बी फॉर्म है वो भी मेरी एंटी कन्फॉर्मेशन दिखाने वाली है, यानी कि ए के साथ भी सेकंड आएगा और बी के साथ भी सेकंड आएगा। ए के साथ सेकंड और बी के साथ सेकंड के लिए केवल एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड। और जिन्हें याद है उन्हें ये भी याद होगा कि ए डीएनए मोटा होता है, बी डीएनए की मॉडरेट शेप है और जेड डीएनए जिगजैग है। जब हम लोग क्लास करते हैं तो हम लोग समझते हैं इस कारण को भी कि ए मोटा क्यों है और बी, मतलब जिसकी जो फॉर्म है वो वैसी है क्यों। तो ए में जो मेजर ग्रूव है ये डीप एंड नैरो, क्योंकि क्वेश्चन में वाइड और नैरो की बात कर रखी है तो मैं केवल एक ही वर्ड पर टिकता हूँ। ए डीएनए है नैरो मेजर और वाइड माइनर, ए डीएनए है नैरो मेजर एंड वाइड माइनर, जबकि बी फॉर्म उसका उल्टा है, जस्ट उल्टा। बी में मेजर में नैरो की जगह पर है वाइड और माइनर में वाइड की जगह पर है नैरो, और इसी के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व है। इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन के जो बीच की जगह है, इस पूरी कैविटी को, जो सारी कैविटी है जो कि पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर होगी, इसे हम लोग बोलते हैं माइनर। और जो इन दोनों के बीच में जो ये कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं मेजर। ये हर बेस पेयर के एंगल पर होती है और पूरे डीएनए के अंदर ये पैरेलल बिखरी होती है। बेसिस जो मुझे पढ़ने के लिए अवेलेबल होंगे वो हमेशा मेजर से होते हैं, मेजर वाले ग्रुप की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो डीएनए से बाइंड करते हैं वो मेजर या माइनर ग्रुप का ही ध्यान रखते हैं। जितने भी प्रोटीन डीएनए को बेस सीक्वेंस देखते हैं, जैसे कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा साइट्स को पहचानता है, तो अगर कभी कोई आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ये डीएनए का जो बाइंड करने वाला प्रोटीन है ये मेजर से बाइंड करेगा या माइनर से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉमन सी लॉजिक का इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हो। आप ये पूछ लो कि वो प्रोटीन सीक्वेंस स्पेसिफिक है या सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक है। तो अगर कोई प्रोटीन ऐसा है जो केवल प्रमोटर को पहचानता है या ऑपरेटर को पहचानता है, तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस स्पेसिफिक है। और सीक्वेंस बेसिस जो होते हैं, बेसिस केवल मेजर ग्रुप में दिखाई देते हैं कि कहाँ एडेनिन है, कहाँ थायमिन, कहाँ साइटोसिन, कहाँ ग्वानिन, तो केवल वहीं से उन्हें पढ़ा जा सकता है। इसलिए ऐसे सभी प्रोटीन जो है मेजर ग्रुप की तरफ ही बाइंड करना चाहेंगे। और जिन प्रोटीन्स को डीएनए की सीक्वेंस से संबंध नहीं है, वो केवल शुगर फॉस्फेट की बैकबोन के चार्ज को पहचानते हैं, वो जनरली माइनर ग्रुप की साइड से आके बाइंड करते हैं। याद रखिएगा ये रूल जनरल रूल है। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आई फ्लाई के में आपके साथ शेयर करते हैं और हर टॉपिक को हम उस डिटेल तक जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वो है क्यों। ये सभी क्लासेस स्काइप और व्हाट्सएप पर हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं और वीक में कुछ दिन होती हैं। याद रखिएगा हमारा काम है मेन एफिशिएंसी लाने का, कम मेहनत लेकिन ज़्यादा रिजल्ट। आप कॉल कर सकते हो मुझे 9013-9029 पर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि क्लासेस कैसे करनी है। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी ग्रुप्स के ऊपर जो आपके पास सोशल हैं। और आप मुझे ईमेल डाल सकते हो sapling@gmail.com पर, और इन्फॉर्मेशन हम लोगों के बारे में अवेलेबल है iflynetgate.com पर। थैंक यू।